वेलकम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बच्चों आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग फिज़िक्स मेंस 2022 के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपको फिज़िक्स समझनी होगी कि फिज़िक्स हो क्या रहा है इसमें, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि तीन मास है, थ्री मासेस m 100 kg, ठीक है ना, m इक्वल्स टू 100 kg है, m1 10 kg है और m2 20 kg आर अरेंज इन अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस, यानी सर्फेसेज फ्रिक्शनलेस दे दिया है और स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है। द पुलीज आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये जो पुली है यहाँ पे ये भी आइडियल है, ठीक है। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम सो दैट द मास एम टू मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 2 m/s². जैसे ही इस एम मास पे एफ फोर्स लगाएंगे तो ये राइट मूव करना शुरू करेगा और ये जो पुल्ली के कारण जो स्ट्रिंग है उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसके कारण एक टेंशन क्रिएट होगा वर्टिकल में, उस कारण से ये बॉडी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, है ना, और वो एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 m/s². तो पूछ रहा है एफ क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, जो उन्होंने एक फिगर बना के दिया है ना मेंस वालों ने, एक गड़बड़ बना के दिया है। और गड़बड़ी क्या है कि ये मास m2 इससे सटा हुआ है, ठीक है ना। अगर सटा हुआ नहीं होगा तो शुरू में इसमें इसको F लगाएंगे तब इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या होगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगा और ये आगे बढ़ के इसको टच करेगा, तब क्या हो जाएगा, उस केस में आपका स्ट्रिंग ऐसा टेढ़ा हो जाएगा इसको टच होने के लिए, और जब टेढ़ा हो जाएगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर लेना होगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ये वो नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, ये ना ही उसमें वैल्यू दी हुई है ना वो चाह रहा है, तो इसको आपको टचिंग मानना ही पड़ेगा नहीं तो आप बना नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन में गलती है, फिगर अगर दें तो अच्छा से देना चाहिए नहीं तो फिर फालतू कुछ बच्चे जो हैं परेशान होते हैं, कोई इसको जुड़ा ना माने तो वो नहीं बना पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान देने की हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसका फिज़िक्स समझना पड़ेगा। थोड़ा तो मैंने बताया कि जैसे इसको पुश करेंगे एक फोर्स इधर लगेगा स्ट्रिंग पे जिसके कारण एक टेंशन क्रिएट होगा और ये ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं इसको ऑब्ज़र्व करने के, देखिए वैसे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, जहाँ से चाहो वहाँ से देखो, है ना। लेकिन यहाँ पे दो फ्रेम से हम लोग देखेंगे इसको, एक तो ग्राउंड का फ्रेम, और अक्सर क्वेश्चन में ग्राउंड फ्रेम से हम लोग देखते हैं जो इनर्शियल फ्रेम है, और दूसरा हम लोग देखेंगे इस वाले फ्रेम से, यानी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। इस फ्रेम से देखने से एक तो रिलेटिव मोशन के इक्वेशन लिखने में आसानी होगा, वो आपको समझ में आएगा भी या आ भी रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक बंदे को बैठा दिया इस बॉडी पर M, कैपिटल M वाले पे। अब थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। हमको निकालना क्या है, कैपिटल F। तो सबसे पहले इस बिगर मास का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं, कैसे कैसे क्या निकालना है। तो ये आपका सबसे बड़ा वाला बॉडी है ये वाला, और ये पुली है, और एक स्ट्रिंग इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है कैपिटल F, ठीक है, एक इसका वेट हो गया, सेंटर ऑफ मास हमने ले लिया 100 kg है इंटू 10 यानी 1000 newton हो गया ये, एक इसका वेट लग रहा है इस पर वो मान लेते हैं mg है, ये हो जाएगा आपका 100 newton, एक इस पर फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड से, हालांकि वर्टिकल से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से मतलब है, लेकिन जस्ट बताने के लिए, और एक ये टेंशन टी, ये टेंशन टी। तो वर्टिकल में अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दिस 1000 + this 100 + this t = this नॉर्मल रिएक्शन, यानी ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये 100 + t + 1000 होगा। एक फोर्स छूट गया, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इधर लगेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन एंड प्राइम मान लीजिए, ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये इसको धकेलेगा, ये इधर फिर पुश बैक करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो एक फोर्स ये भी लगेगा,
जो इसको जॉइंट नहीं मानेगा वो ये फोर्स फिर भूल जाएगा, फिर आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर जॉइंट नहीं मानोगे तो फिर टेंशन, फिर आप फिर बाकी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी, फिर टेंशन में एक एंगल आ जाएगा जैसे मैंने बताया, फिर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये टचिंग ही मानना है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन प्राइम लगाएगा। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सारे फोर्सेस हमने लिख दिए, कोई छूटा नहीं है, है ना, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए ये बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में स्मॉल ए, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का तो आप समझ ही गए, एन इक्वल्स टू 100 प्लस 1000 प्लस टी, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे आप, लिखोगे एफ माइनस, एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स टी है ये वाला, और एक ये एन प्राइम है, दो ही है, तो यानी एफ माइनस एन प्राइम प्लस टी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में पीछे की ओर लग रहा है, यानी टी प्लस एन प्राइम इस दोनों फोर्स को काउंटर करते हुए एक एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये हो गया 100 इंटू ए, ठीक है ना, यही होगा, सिंपल सा इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से। अब यहाँ इस इक्वेशन में अननोन क्या क्या है, तीन अननोन है, चार अननोन है, एक दो तीन चार, आपको निकालना एफ है, यानी अपने को टी निकालना होगा, एन प्राइम निकालना होगा और ए निकालना होगा, तीन चीज़ें निकालनी है। तो इस तीनों के लिए अपन एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखिए इसका तो आप एम टू का फ्री बॉडी डायग्राम आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। एम टू में क्या क्या चल रहा है इसका बनाना आसान है। M2 में कुछ नहीं है, एक टेंशन T लग रहा है, इसका वेट है कितना 200 न्यूटन। तो वर्टिकल में इसका एक्सेलरेशन क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अप है, तो T माइनस 200 इक्वल्स टू 20 इंटू 2, कुछ नहीं है ये। उसके लिए वर्टिकल में इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, T माइनस 200 उसका वेट इज इक्वल्स टू उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, तो यही हो गया। ये आप चाहे ग्राउंड से देखो या यहाँ से देखो, इसको भी वह वैसे ही दिखेगा, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सब ग्राउंड फ्रॉम से देख रहे हैं, तो इससे देखिए टी निकल के आ जा रहा है, 200 इधर चला गया, ये 40 है, तो 240 आ रहा है टी, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक अननोन तो नोन हो गया, यानी टी इज इक्वल्स टू 240 न्यूटन। ये वर्टिकल में इक्वेशन लिखे थे। अब एक हॉरिजॉन्टल में भी देखिए, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन प्राइम लग रहा है ना, एन प्राइम ये वाला, उस पर लगेगा एन प्राइम, और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में ये होना पड़ेगा ए, क्योंकि ये दोनों साथ मूव कर रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, क्योंकि ये जिस एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है उसी स्पीड और एक्सेलरेशन से इसको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आइडियल बॉडी है, ये कंप्रेसिबल नहीं है। और इस फ्रेम से देखेगा तो ये लगेगा इसको कि सिर्फ वर्टिकल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं है। उससे भी यही निकल के आएगा कि इसका एक्सेलरेशन सेम है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन माइनस इस बड़े वाले बॉडी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो यानी अगर हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन सपोज कीजिए ए एम टू था, इसमें हमने इसका एक्सेलरेशन घटा दिया, है ना, इसका ए माने थे राइट में, तो इसके इस रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो ए एम टू माइनस ए एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, यानी ये ब्लॉक, और ये उसको ज़ीरो दिखेगा, ये इसको हॉरिजॉन्टल में मूविंग नहीं दिखेगा, सिर्फ वर्टिकल में। तो इससे इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आएगा इस बॉडी का, ए आएगा। और ग्राउंड फ्रेम से भी देखोगे तो आपको वही लगेगा कि भाई अगर ये ए से मूव कर रहा है तो ये भी ए से मूव करेगा। तो आप सिंपल एक इक्वेशन लिख सकते हो, एन प्राइम जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो उसका मास यानी 20 इंटू एक्सेलरेशन ए, यही वाला एक्सेलरेशन उसमें भी होगा। तो अब देखिए अननोन सिर्फ एक ही रह गया है, टी निकल गया, एन प्राइम भी ए के टर्म में आ गया, ये भी ए के टर्म, ठीक है ना। तो आपको बस एक्सेलरेशन निकाल लेना है, इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वो निकल गया तो एफ निकल के आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको निकालने के लिए, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन अब इस मास को एनालाइज करेंगे, एम वन को, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था,
ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इतने में ही बना दिया जाए, अगले पन्ने में नहीं जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये अपना अभी तक इक्वेशन निकल के आया है, फाइनल इक्वेशन आप चाहो तो लिख लो, f इज इक्वल्स टू 100a प्लस t जो निकल के आ गया 240 प्लस नॉर्मल रिएक्शन 20a। अब आपको बस a चाहिए, a निकल के आ जाएगा, हम लोग f निकाल लेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ a निकालने के लिए आप m1 को एनालाइज करना बाकी है। m ये हमने बनाया मास m1, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ये टेंशन का T, बस यही एक फोर्स है। ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही एक फोर्स है, और इसका वेट लग रहा है M1, जो M1 की वैल्यू ही लिख देता हूँ 10, तो 100, और नॉर्मल रिएक्शन उसको बराबर कर देगा N से 100, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और इस वाले बॉडी का ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलेरेशन मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में ए एम वन था, या ए वन मान लीजिए, सिंपल ए वन एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रहा था, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन आप लिख दोगे टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए वन। तो आपको टी देखिए ऑलरेडी पता है, यहाँ से हम लोगों ने टी निकाल लिया था, तो ए वन निकल के आ गया आपका, ए वन इज इक्वल्स टू नथिंग बट 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 240 बाई 10। तो यानी ये वाले बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से इस डायरेक्शन में 24 है, यानी ग्राउंड फ्रेम से ये भी राइट ही मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की वजह से पुश हो जा रहा है, और स्ट्रिंग पे फोर्स ही पुली लगा रहा है, यानी इस फोर्स का एक पोर्शन यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ए वन निकल गया, और हमको निकालना क्या था, ए। अब ए और ए वन में हमको रिलेशन निकालना है, बस यही काम है। ये निकल जाएगा ए और ए वन में रिलेशन, तो आपका ए निकल जाएगा, सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। और इसी के लिए हमने इसको यहाँ बैठाया है, अभी तक इसका कोई काम नहीं पड़ा है, अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से थोड़ा पिक्चर करना कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन अगर इसको पिक्चर करना ना, ये वाला आसानी से पिक्चर कर पाएगा, ये जो आपका ऑब्जर्वर है ना, इसको क्या दिखेगा, यानी इस ब्लॉक एम को क्या दिखेगा, इसको तो दिखेगा कि भैया देखो ये टू से ऊपर आ रहा है, और स्ट्रिंग को ढीला होना नहीं है, अगर स्ट्रिंग ढीला होगा तो ये ऊपर उठेगा कैसे, टेंशन रहना चाहिए, यानी ये टू से ऊपर आ रहा है तो ये टू से पीछे जाएगा, बस यही ऑब्जर्व करेगा, ये वाला चीज़ जो है वो यही ऑब्जर्व करेगा कि ये पूरी चीज़ लेफ्ट मूव कर रही है, मतलब ये लेफ्ट मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जो इसका होगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक दिस इस डायरेक्शन में 2 है, तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन ए था, तो ये ऑब्जर्वर क्या करता है, अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके इसमें ऐड करता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक लाइन का इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसको, इसको मैं नीचे मारता हूँ, इसको A1 माना है मैंने, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर क्या होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो ये समझेगा कि हम रेस्ट में हैं, है ना, जब ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में समझता है, और ये अपना एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इस ब्लॉक का है, यानी A को रिवर्स करके इसमें ऐड कर देगा, यानी वो इस एक्सेलरेशन A को रिवर्स करके इधर ऐड करेगा, A इधर ऐड करेगा, ठीक है। तो इस दोनों का जो वेक्टर सम आएगा ए और 24 का, वही इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर, और ये क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है, यानी ए माइनस 24 इक्वल्स टू 2, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे ए माइनस 24 इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसको इधर मूव पीछे मूव करता हुआ दिख रहा है, यानी ए माइनस 24 इक्वल्स टू 2 रिलेटिव वेलोसिटी के उससे हमने लिख दिए। ये वाली चीज़ ग्राउंड फ्रेम से लिखने में थोड़ा टफ होता है, लेकिन इस फ्रेम से लिखना आसान था, इससे ये आपका निकल के आ गया 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका ये इक्वेशन फिर सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा, अब ये क्या बन गया, अब ये आपका बन गया 2600 प्लस 240 प्लस 26 इंटू 20 यानी 520, ये तीनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा 3360, ठीक है। तो आंसर 3360 न्यूटन होगा। तो समझ में आ गया। तो यही आपका क्वेश्चन था। इस पूरे का मैं फिज़िक्स बता देता हूँ यहाँ पे फिगर बना के, ताकि आप फिज़िक्स समझ लो। और फिज़िक्स समझाने के लिए मैं एकदम इनर्शियल फ्रेम से बताऊँगा, यानी ग्राउंड फ्रेम से। यानी ये एक बॉडी है, तो इसका पूरा फिजिक्स समझते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि सारे सरफेस क्या हैं, फ्रिक्शनलेस हैं और एफ़ फोर्स लगा रहे हैं। अब एफ़ फोर्स जो है ये लगा रहे हैं, तो शुरू में अगर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, सपोज़ कीजिए ज़ीरो फोर्स लगाते हैं, इसको ढकेलते नहीं हैं, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये सीधा गिरना शुरू हो जाएगा अपने वेट से, और ये आगे बढ़ेगा, ये नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो उस समय एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, शुरू में इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स क्या है, 200 न्यूटन, तो यानी 200 बाई 20 प्लस 10 30 है ना, तो ये हो जाएगा 20 बाई 3। इस एक्सेलरेशन से शुरू में बॉडी नीचे गिर रही होगी। जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करोगे तो इसका जो टेंशन जो शुरू में प्रोड्यूस हो रहा होगा, टेंशन कितना होगा इसका, ये होगा 200 बाई 3। यहाँ से निकाल लीजिए, इसका एक्सेलेशन में 20 बाई 3 है, तो टेंशन शुरू में होगा 200 बाई 3 न्यूटन, ठीक है। ये टेंशन पहले ये था, अब ये बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही आप इधर फोर्स बढ़ाना शुरू करोगे ज़ीरो से, ये टेंशन बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि एक पुश फोर्स पुल्ली से लगेगा और इसका टेंशन बढ़ाना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ता जाएगा, ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये टेंशन बढ़ता जाएगा, और ये एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड में घटेगा घटेगा, घटते 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 एक बार ये एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यानी जब ये एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो होगा, यानी उस टाइम पे क्या होगा, ये सरफेस पे कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा, ये पूरा जो सिस्टम है 100, 20 और 10 वाला, ये एक साथ मूव करेगा, एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना, आपस में कहीं स्लिपिंग नहीं होगा। उस टाइम पे ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और टेंशन क्या हो जाएगा फिर उस केस में, जितना वेट है उतना ही टेंशन होगा, यानी 200 न्यूटन, है ना। जब 200 न्यूटन टेंशन हो जाएगा बढ़ते बढ़ते 200 बाई 3 से, तब ये पूरा सिस्टम साथ मूव करेगा, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, 200 बाई 10। टेंशन यही है 200, और वो इस पे फोर्स लग रहा है, यानी 200 बाई 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि फाइंड द फोर्स इन विच देर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन टू बॉडीज़, तब उस समय फोर्स होता है 200 × 20 × ये एक्सेलरेशन है 20 × ये फोर्स किसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, इसको, तो ये हो जाएगा 200 × टोटल मास 130, यानी 2600 न्यूटन। तो जब फोर्स बढ़ाते बढ़ाते आप 2600 न्यूटन कर दोगे ज़ीरो से, तो इसका एक्सेलरेशन जो शुरू में 20 बाई 3 था, वो घटते 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 ज़ीरो हो गया है। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। और अब जब फोर्स बढ़ाना शुरू करोगे 2600 न्यूटन से ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, टेंशन इतना बढ़ जाएगा, यानी टेंशन 200 न्यूटन से बढ़ जाएगा, और ये वाली चीज़ ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, इसका ऊपर का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टेंशन बढ़ता जाएगा। और अभी वाले केस में जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो है 3360 वाले केस में, इसका एक्सेलरेशन टेंशन बढ़ के 240 हो गया है, और इसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और उसके कारण, इस टेंशन के कारण इधर फोर्स जो लग रहा है उसके कारण इसमें एक्सेलरेशन 24 प्रोड्यूस हो रहा है ना, 24 और इसमें 2। तो अपन ने रिलेटिव से फिर निकाला था कि इसका क्या होना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा इधर 2 से जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 से ऊपर उठ रहा है, तो ये 2 से पीछे भी जाना चाहेगा, है ना, नहीं तो टेंशन फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो वो उठेगा नहीं। तो फिर इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, 24 + 2, है ना, इसका ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा स्ट्रिंग नीचे से
ऊपर लेके आए और ये पीछे जाए, इसके रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये पीछे जाए, ठीक है। तब जब ये 3360 हो गया है, तब इसका एक्सेलरेशन ऊपर में 2 m/s² हो गया है, और फिर इसका एक्सेलरेशन 24 है, और इसका एक्सेलरेशन उस केस में हो जा रहा है 26 m/s², ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये कैसे कैसे हो रहा है। तो ये पूरा फिजिक्स है इसका। शुरू में ये नीचे गिरेगा, 0 से लेके 2600 न्यूटन तक ये नीचे ही गिरता रहेगा। 2600 न्यूटन पे सब साथ मूव करेंगे, और जैसे ही 2600 न्यूटन से बढ़ाओगे फोर्स, ये ऊपर उठना शुरू करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये फिर लेफ्ट जाना शुरू करेगा। शुरू में इसके रिस्पेक्ट में ये सब राइट गिर रहा था 2600 न्यूटन तक, और जैसे ही 2600 न्यूटन से बढ़ाओगे, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरी बॉडी इधर जाने लगेगी, ये दोनों कंबाइंड, और फिर इस फोर्स पे ये 2 m/s² से इधर जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन 24 आया है, तो इसका 26 आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फिजिक्स आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का, और यही आपको समझाना था। आज के लिए इतना ही। जो लोग ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर वीडियोज़ बनाता रहूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।